अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफिक्स के वीडियो सबसे पहले। रुखसार रहमान एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड उद्योग के लिए काम करते हैं। पूर्व में वो एक मॉडल भी रह चुके हैं। वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, भेजा फ्राई 2, पीके, शैतान 83 आदि सहित कई लोकप्रिय फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। रुखसार ने अपने करियर की शुरुआत यात्रा की दुनिया नाम की फिल्म से की जो 1982 में रिलीज हुई थी। रुखसार रहमान का जन्म 29 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वो लतीफुर रहमान खान की बेटी है। उनकी शादी असद अहमद से हुई थी और इस जोड़े को आयशा अहमद नाम की एक बेटी हुई जो एक अभिनेत्री हुई है। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण इस जोड़े ने अलग होने का फैसला किया और उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। 2010 में रुखसार ने मुंबई में 5 साल तक डेटिंग करने के बाद फारूक कबीर से शादी की जो एक फिल्म मेकर है। रुखसार ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म याद रखी दुनिया से की थी जिसमें उन्होंने आदित्य पंचोली के साथ भूमिका निभाई थी। उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म इंतहा प्यार की भी की और अभिनेता ऋषि कपूर के विपरीत तान्या मुगल की भूमिका निभाई। हालांकि अपने पिता के अनुरोध पर वो अपने गृहनगर रामपुर वापस लौट आई और अपना करियर छोड़ दिया। यहाँ उन्होंने गारमेंट का बिजनेस शुरू किया। 2005 में वो फिर से वापस आई और राम गोपाल वर्मा की क्राइम ड्रामा डी में महिला मुख्य अभिनेत्री के रूप में अभिनय किया। उन्होंने अभिनेता रणदीप हुडा के साथ भक्ति भटनागर का किरदार निभाया था। उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में अपार लोकप्रियता मिली और उन्हें गौर तुलसी ग्रेट हो, सरकार, द स्टोन मैन मटर्स, शैतान, बेचा फाई 2, पीके, लाइफ की तो लग गई और लव गेम्स आदि फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव मिला। रुखसार ने कुछ टेलीविजन शो में भी काम किया। उनका सबसे लोकप्रिय टीवी शो भास्कर भारती 2009 था जिसमें उन्होंने विनीता लांबा की भूमिका निभाई थी। उनकी अन्य उल्लेखनीय भूमिका तुम्हारी पाखी और प्यार हो गया, दियारोपति हम, कुछ तो लोग कहेंगे, बालवीर आदि में थी। उन्होंने महज 17 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। रुखसार क्लिनिक प्लस, एशियन पेंट्स और सफोला के टेलीविजन विज्ञापनों में एक मॉडल के रूप में दिखाई दी। उन्होंने स्टार प्लस के धारावाहिक मरियम खान रिपोर्टिंग लाइफ में महिला नायक की माँ की भूमिका निभाई। वह बूट सिलेक्ट की एक वेब सीरीज द गॉन गेम में काम कर चुके हैं। उन्होंने सावधान इंडिया में कई एपिसोड किए। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too.